हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लीनिंग आइटम्स यानी सफाई करने वाली चीजों के नाम हिंदी टू इंग्लिश वोकैबुलरी। झाड़ू को इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं, ब्रूम। नारियल झाड़ू को इंग्लिश में कोकोनट ब्रूम स्टिक कहते हैं, कोकोनट ब्रूम स्टिक। पोचे को इंग्लिश में मॉप कहते हैं, मॉप। रबर पोचे को इंग्लिश में स्क्वीजी मॉप कहते हैं, स्क्वीजी मॉप। बाल्टी को इंग्लिश में बकेट और पेल कहते हैं, बकेट और पेल। प्लास्टिक मग को इंग्लिश में बात मग और प्लास्टिक मग भी कहते हैं। प्लास्टिक टब को इंग्लिश में भी प्लास्टिक टब ही कहते हैं। जूना को इंग्लिश में स्टील वूल कहते हैं, स्टील वूल। नल को इंग्लिश में फॉसेट और टैप भी कहते हैं, फॉसेट और टैप। चितरा यानी सफाई वाला कपड़े को इंग्लिश में रैग कहते हैं, रैग। कचरे का डिब्बा को इंग्लिश में डस्टबिन कहते हैं, डस्टबिन। कूड़ेदान को इंग्लिश में डस्टपान कहते हैं, डस्टपान। कूड़े की थैली को इंग्लिश में गार्बेज बैग और बिन लाइनर भी कहते हैं, गार्बेज बैग, बिन लाइनर। मजक को इंग्लिश में प्लंगर कहते हैं, प्लंगर। रबर के दस्ताने को इंग्लिश में रबर ग्लव्स कहते हैं, रबर ग्लव्स। बोतल धोने का ब्रश को इंग्लिश में बॉटल ब्रश कहते हैं, बॉटल ब्रश। कपड़े धोने की टोकरी को इंग्लिश में लॉन्ड्री बास्केट कहते हैं, लॉन्ड्री बास्केट। कपड़े धोने की मशीन को इंग्लिश में वॉशिंग मशीन कहते हैं, वॉशिंग मशीन। कपड़े सुखाने की मशीन को इंग्लिश में क्लोथ्स ड्रायर कहते हैं, क्लोथ्स ड्रायर। वैक्यूम क्लीनर को इंग्लिश में वैक्यूम क्लीनर ही कहते हैं, वैक्यूम क्लीनर। स्पंज को इंग्लिश में भी स्पंज ही कहते हैं, स्पंज। स्क्वाइजी वैपर को इंग्लिश में भी स्क्वाइजी वैपर ही कहते हैं, स्क्वाइजी वैपर। स्प्रे बोतल को इंग्लिश में स्प्रे बॉटल कहते हैं, स्प्रे बॉटल। साबुन को इंग्लिश में सोप कहते हैं, सोप। कपड़े धोने के पाउडर को इंग्लिश में सर्फ और वॉशिंग पाउडर कहते हैं, सर्फ और वॉशिंग पाउडर। Thanks for watching.